अब लाल सिंह चड्ढा का फ्यूचर क्या होगा? आमिर खान साहब ने जो ओटीटी से कमाया, क्या वो सब गवा देंगे? आइए आपको एक रिपोर्ट बताता हूं, जहां पर नेगोशिएशन चल रहा है, जहां पर नेटफ्लिक्स समझ गई है कि अब मुझे जो है नुकसान होने वाला है। स्वागत है चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बात तो हम सबको पता है कि एक डील की खबर आई थी जहां पर 160 करोड़ में जो है फिल्म की बात चल रही थी कि आमिर खान की फिल्म जो है वो 160 करोड़ में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीद ली है। अब दोस्तों एक और बड़ी रिपोर्ट आई है जहां पर ये बात चल रही है कि इसका बॉक्स ऑफिस देखकर फाइनली कपकपा गए हैं नेटफ्लिक्स वाले। वो नेटफ्लिक्स आपको बता दूं, अमेज़न प्राइम या फिर अगर जी की बात करें, जी की जो ऐप है, तो उन सब या हॉटस्टार ले लीजिए, उन सब के मुकाबले में यहाँ पर नेटफ्लिक्स है ना बहुत कम हो गया है। मतलब नेटफ्लिक्स पे अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है, जिसके चलते नेटफ्लिक्स को इंडिया में नुकसान भी हो रहा है। अगर आपने डेटा को एनालाइज करा होगा, अगर आपने डेटा की एनालाइज की कोई रिपोर्ट पढ़ी होगी, मैं इस पर एक और वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे बता दें कॉमेंट सेक्शन में कि क्या इस पर बताएं कि कैसे नेटफ्लिक्स को हो रहा है नुकसान। खैर, यहां पर आमिर साहब ने दोस्तों अब इस डील को लेकर नेटफ्लिक्स वालों की ये रिपोर्ट में लिखा गया कि नेटफ्लिक्स वालों ने इस डील पर फिर से बातचीत करी और उन्होंने जो है, एक तो आमिर खान ने यह शर्त रखी थी कि मैं जो है 6 महीने बाद रखूंगा अपनी फिल्म को नेटफ्लिक्स में, इस पर भी काम करने को बोला है कि नहीं भाई 6 महीने बहुत ज्यादा होता है, अभी नहीं, 6 महीने नहीं आपको, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, फिल्म रिलीज है उसके 1 महीने बाद जो है फिल्म जो है आ जाती है, राइट? 6 महीना बहुत ज्यादा हुआ, राइट? तो यहां पर अब नेटफ्लिक्स वालों ने बोला, एक तो आप इस डील को, इस पॉइंट को हटाइए और हम जो है 50 करोड़ ही देंगे आपकी फिल्म को, बाकी नहीं। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आमिर खान को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, जिस वजह से आमिर खान थे वो नहीं हो पाएगा। खैर देखिए, अभी आमिर खान को चाइना से उम्मीदें हैं, क्योंकि आमिर खान चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनकी दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और ये सारी फिल्में बहुत अच्छी चली थी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। चाइना में अगर रिलीज होती है फिल्म तो क्या वहां से अच्छा अमाउंट आएगा, फिर उसके बाद ये नेटफ्लिक्स वालों को कॉन्टैक्ट करेंगे? लेट्स सी, व्हाट्स योर रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं।